दिखाएंगे। चलिए फिर मैं हाजिर होता हूँ, परी आ जाए। मैं तो बचपन से ही अपने पिताजी के वक्त से मुझे मौका मिला के जी के जितने कॉन्सर्ट्स होते थे उनकी सारी कैरी करके मैं जाता था। एंड ही वॉज ऑलवेज इन्वॉल्व इन स्टिग्मा केसेस, स्टिग्मा के वो स्टार्टिंग एंड नॉट ओनली इन इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू अकंपनी किरण जी ऑन इंटरनेशनल टूर्स एज वेल लाइक इन नॉर्वे एंड जर्मनी एंड ऑल पास द वर्ल्ड। तो मैं ये कहूंगा कि किरण जी ने न सिर्फ भारत में इसको बनाया बल्कि पूरे विश्व में इसका एक ऐसा काम किया है कि वहां के बच्चों को भी हमारी सारंगी और तबला और हारमोनियम और फ्लूट के बारे में वो बच्चे भी जानते हैं। तो उसका श्रेय हमारे माननीय किरण जी को जाता है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से इस चीज के लिए तो भारत के बच्चों के लिए नहीं बच्चे पूरे विश्व के बच्चे आज सारंगी और तबला के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, मेरी दुआ है कि इस तरह ये दीप आगे चलता रहे और कार्यवाही से आगे जाए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आई लाइक टू इनवाइट संदीप अर्जुन कुमार जो है। देखिए डिफिकल्ट हर किसी भी अगर चीज में आपने अच्छा करना हो तो डिफिकल्टी तो होगी, और इस यात्रा में जो हमने की तो बहुत डिफिकल्टीज आई। मैंने जैसे बताया जब मैं दबरा के पास था तो मुझे डायरिया हो गया, तो मैंने सोचा अब तो मैं जा नहीं पाऊंगा इस साइकिल पे। तो पर हमने कहा प्राण जाई पर वचन ना जाई, हमने वचन दिया था कि मैं पहुंचूंगा कन्याकुमारी, तो साइकिल पे बैठ गए नेक्स्ट डे और निकले हम। जब ये सतपुरा रेंज को क्रॉस कर रहे थे, मैं जब क्रॉस कर रहा था तो मेरे दाएं पांव इन्नी घुटना बिल्कुल बहुत बहुत ही दर्द करने लग गया। तो मैंने सोचा अब नहीं जा पाऊंगा, पर फिर से हमने दो गोली दो तीन खाई और लग गए। अलीगढ़ जब गए तो इतना पानी, बारिश का पानी, तो उसके थ्रू जाना पड़ा। तो दिक्कतें, दो बार एक्सीडेंट हो गई। हम चला रहे थे चिकबलापुर कर्नाटका में, इसने से स्कूटर ने पीछे से मार दिया, तो ऊपर नीचे जो था ही। पर हमारा देश इतना सुंदर है, इतनी गहरी गहरी चीज़ें हमने अंदर एक्सपीरियंस किया। भार तो है ही अपने पर्यावरण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु अंदर जो एक्सपीरियंस किया वो तो क्या बताऊँ। हाँ तो सर, एक मीडिया के थ्रू क्या मतलब यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? ये मैसेज देना चाहेंगे, देखिए कि किसी भी गहरी चीज़ को आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आजकल जो नया जनरेशन है वो जल्दी जल्दी मांग रहा है सब कुछ, कह रहे कि मुझे जल्दी ये मिल जाए, जल्दी वो मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो जो जल्दी मिलता है वो जल्दी जाता भी है। अगर आपने परिश्रम करके कुछ लिया है, कुछ हासिल किया है, तो फिर आपको वो आपके साथ रहेगा, ये बात। और थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा विश्वास, ये दो चीज़ें अगर आ जाएँ तो हमारे जनरेशन कहाँ कहाँ पहुँच जाए। ओके सर, थैंक यू। और मेरा नाम कमाल साबरिया जी, मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह के कार्यक्रम आज स्पीकमेके में रचाए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे किरण जी पूरे भारत में साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं। और ये दर्शाता है कि कैसे हमारा भारत एक है, और शास्त्रीय संगीत जो है वो कैसे हमारे भारत को एक 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 खित्ते से दूसरे खित्ते की ओर जोड़ रहा है। तो और हमारा जो शास्त्रीय संगीत है ना, सिर्फ आज भारत में बल्कि पूरे विश्व में जा रहा है और सब विश्व के बच्चों को ये प्रेरित कर रहा है। 35 साल से मैं स्पीकमेके की सेवा कर रहा हूँ, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैंने अमेरिका में, लंदन में और देशों में भी मैंने स्पीकमेके की सेवा की। और बच्चों से जब मेरा इंटरेक्शन होता है, जैसे मैंने आज कहा, तो मुझे कोई भी भाषा का बच्चा हो,
जैसे तमिलनाडु में मैं गया तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश बच्चों को कुछ भी मालूम नहीं था, तो भी उन बच्चों ने मेरा प्रोग्राम पसंद किया। तो म्यूज़िक की जो भाषा है, म्यूज़िक का जो लैंग्वेज है, वो दिल का है। उसमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्चर्स की ज़रूरत नहीं है, वो दिल से निकलता है और दिल में पहुँचता है। तो उस भाषा से हम बात करते हैं, सुरों की भाषा, लय की भाषा, ताल की भाषा, तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है। भारत के मशहूर गायक पंडित अजय पोहनकर जी कहना चाहेंगे स्पीक मैके के बारे में और किरण सेठ जी के बारे में। देखिए भाई, डॉक्टर किरण सेठ जो है ना, हमारे लिए लाइक ए गॉड, वाह फ्रैंकली। और स्पेशली हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो बच्चों के लिए हम ये नहीं सोचते हम कितने बड़े कलाकार हैं, हमसे बच्चे क्या उम्मीद करते, हम तो उनसे गवाते भी हैं, गवाते हैं। तो सेठ साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन का कोई, स्पीक मैके का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और कभी भी कोई प्रोग्राम हो, पहले स्पीक मैके जाते हैं, दूसरा प्रोग्राम छोड़ के। और बच्चों के लिए जो हमारे शास्त्रीय संगीत को उन्होंने पहुंचाया है, बहुत ही एक बहुत उनका बहुत बड़ा किरण बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और आज भी हम उनके प्यार के खातिर पूना से यहाँ आए। देखिए पूना से आ रहे हैं, डिटर्मिनेशन जो होता है, साइकिल चलाना इतना, अपन साला एक यहाँ से आधा किलोमीटर नहीं चला सकते। सही बात है, आप 3 घंटे का सफर, 4 घंटे का सफर तय कर रहे हैं। ये सब ये प्यार है तो, और नहीं है तो और क्या, क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। बेशक बेशक, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लगा मैंने ये जो आज की शाम है हमारे लिए बहुत ही यादगार शाम रहेगी, क्योंकि किरण सेठ जी से मेरा ताल्लुक और स्पीक मैके से मेरा ताल्लुक बहुत ही पुराना है। और ये किरण सेठ जी जो काम कर रहे हैं स्पीक मैके के थ्रू, ऐसा काम है जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक को बच्चों के अंदर उसकी ख्वाहिश को पैदा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है। हमारे बच्चों को उस चीज़ का एहसास दिलाना कि हमारी धरोहर और कितना बड़ा हमारा एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, जो बच्चे जिससे नावाकिफ़ हैं उनसे वाकफियत कराना है बच्चों को, ये स्पीक मैके का था। और किरण सिंह जी जो जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था और जो अभी तक एक्टिव है इसमें, वो अल्लाह और सलामत रखे, उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया। मतलब ये जो काम हिंदुस्तान में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े क्लासिकल संगीत के समारोह होते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी बात नहीं हुई जो ये काम कर रहे हैं कि बच्चों में पढ़ाएं, बच्चों को ये सिखाएं। तो आज के ये फंक्शन बहुत ही बड़ा फंक्शन, पद्म विमोचन बनारस कराने के तबले के प्रणेता देवता उनका एक छोटा सा शिष्य हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि स्पीक मैके, जिससे हमारे गुरुजी भी जुड़े रहे और बड़ी बड़ी विभूतियाँ, पंडित राजन साजन मिश्र जी, पंडित बिरजू महाराज जी, ऐसे जो अपने देश के धरोहर हैं, उनके साथ स्पीक मैके के कई सारे हमने टूर किए। उनके साथ हमने न सिर्फ टूर किया बल्कि उनसे सीखा, स्पीक मैके के प्रति बहुत हम लोगों को एक सम्मान है। और ये हम कलाकारों के लिए तो एक मंदिर की तरह है, कि जो कलाकारों के लिए कला के लिए कितना सोचता है, एंड इट्स रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कैसा लगा खान साहब के यहाँ तक कि जितनी महफिलें हुई, बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आई एम सो लकी टू बी associated with Speak Mike, and I wholeheartedly thank Dr. Kiran Seth ji for doing all these things. Thank you so much. Tabla nawazne hamari Pandita Anuradha Pal ji, to aap Speak Mike se kafi purani judi hain, aap kuch bolna chahenge aap inka record? Yes ma'am. कैसा लगा मैडम आपको यहाँ पे आके? ये बहुत सुंदर एक प्रोग्राम, जो डॉक्टर किरण सेठ का जो एक बहुत अमूल्य योगदान रहा है, वो हमें सब उनको ये कहने का मौका मिला। और स्पीक मैके के जो अनगिनत वॉलंटियर्स हैं, ये जो एक हिडन फोर्स है जो स्टूडेंट्स में है, वॉलंटियर्स में है, और ये एक साइलेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो
देश विदेश में इतना बढ़िया काम कर रही है कि संगीत और शास्त्रीय संगीत डांस देश विदेश में बढ़ाना और छोटी छोटी जगह में ले जाना, ये बहुत बड़ा काम किया है स्पिकमा के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बहुत काम किया है स्पिकमा के लिए, बहुत परफॉर्मेंसेस दिए हैं। इनफैक्ट फ्रॉम यू नो मैंने आई थिंक सारे आर्टिस्टों के सामने मैंने उनके सामने बजाया है, चाहे वो राजन साजन जी हैं या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं या इनके साथ में अपने शाहिद परवेज जी के साथ में, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ बजाया है, शुभेंद्र राव, ऐसे तो हमेशा एक बहुत मज़ा आया है स्पिक मैकिंग के साथ में बजाना और के लिए परफॉर्म करना और स्पेशली यंग स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करना, ये मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक कांसेन लोगों को बनाना, एक अच्छी तरह से उनको एक सबक देना कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, हमारी धरोहर, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज इतना डीप है कि इस चीज़ को ले जाने का देश विदेश में जब हम परफॉर्म करते हैं स्पिकमा के लिए और छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े जो टेक्निकल कॉलेजेस में हैं वहाँ पे व्हेन आई हैव परफॉर्म, इट्स बीन अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। और मैं बस यही चाहूँगी कि स्पिकमा के हमेशा और भी बढ़ते रहें और उसके जो सपोर्टर्स भी बढ़ें और जो ये फोर्स है इट कीप्स ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग एंड वी एज आर्टिस्ट सपोर्ट स्पिकमा के कम्प्लीटली। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस, थैंक यू। नमस्कार, हम किरण सर के बारे में। डॉक्टर सेठ इज एन इंस्पिरेशन टू अस बिकॉज ही टॉट अस दैट यू नॉट ओनली वर्क बट यू वॉलंटियर एंड दैट आल्सो इज वर्क एंड दिस वॉलंटियरिंग फॉर अस इज अ जर्नी इनवर्ड्स जस्ट द वे हिज साइकिल यात्रा इज सिंबॉलिक, इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स टू अंडरस्टैंड द इनटेंजिबल, something that you cannot see for yourself, that you cannot verify empirically, but you understand that it is because you realize it intangible. क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के इवेंट के बारे में? आज निटी में जो डॉक्टर सेठ का स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहा, जो आर्टिस्ट और प्रेस मीट रही, इसे निटी के विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया था, इसे बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है। निटी जो कि अब 21st IIM होने जा रहा है, निटी के यहाँ स्पिकमा के चैप्टर बहुत एक्टिव है, हमें अद्भुत कलाकारों से मिलने का मौका मिला है, हमें ये एक्सपीरियंस, हमारे लिए ये अनुभव बहुत ही मूल्यवान रहा है। थैंक यू निति, सो टू बी आई एम।